भाईज मुझे ना अवेंजर्स पर सिंचन पिंचन और चॉपर बहुत गुस्सा आ रहा है। लिटरली में ये लोग मेरे बिना पार्टी मनाने के लिए माउंट चिलियाड पर आ गए। बहुत मजा आ रहा है। ही अरे फिकी भैया आपकी हंसी आएगी, आपके तो बुलाए भी नहीं थे। नाचो तुम लोगों को मैं देख लूंगा। तुम उन्हें ना मेरे बिना पार्टी मनाई है, यहाँ पर पिकनिक मनाने आयो। फ्रैंकलिन कभी कभी हम तेरे बिना ही मस्ती कर लेते हैं, बिल्कुल ज्यादा मजा आता है। तुम कितने बुरे हो यार, मैं सच में चला जाऊंगा यहाँ से। सोच लो जैसे कि सूरज के टुकड़े हमारी हमारी धरती पर आकर गिर रहे। क्या हो गया सिंचन पिंचन? अरे बाप रे गाइस, कोई प्लीज बचाओ, कोई वीडियो लाइक करो जल्दी और चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी, प्लीज लाइक बटन दबा दो। अरे बाप रे ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट, अगर सूरज टूट रहा है तो सन गॉड का क्या हुआ? अरे नहीं गाइस, सन गॉड के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है, यहाँ पर इतनी गर्मी, लगता है सूरज ऐसे धरती की तरफ आ रहा है। अरे बाप रे हल्क, ये क्या हो गया तुझे? हल्क 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 को बचा, हल्क मुझे कैसे बचा? मैं इस पत्थर को हटा दूंगा। अरे बाप रे मेरे में जान नहीं है, हल्क तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? अरे गाइस एक मिनट, पिंचन पिंचन प्लीज पिंचन उठ जाना। अरे गाइस ये क्या, उससे पत्थर नहीं उठ रहा है, मेरे बस की नहीं है। अरे बाप रे टोनी स्टार्क आयरन मैन, एक मिनट सिंचन हो रहा, फ्रैंकलिन भैया मैं मर रहा हूं। अरे मुझे से भी नहीं बोला जा रहा है। नहीं गाइस मैं तुम सबको बचा लूंगा, मैं वादा करता हूं। अरे बाप रे क्या हो गया गाइस, ये क्या हो गया एग्जॉस्ट से? अरे बाप रे स्पाइडरमैन प्लीज उठ जा, उठ जाना भाई, मेरी मदद करो, कोई तो मदद करो इन पत्थरों को हटाने में। ओह नो यहां पर बहुत गर्मी है गाइस, मेरा पूरा बदन जलने को तैयार है। ये सब क्या चल रहा है? थॉर तू तो उठ जा यार, थॉर उठ जाना प्लीज। ये क्या हो रहा है गाइस, यहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत है। मर गया डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर से नो, डॉक्टर स्ट्रेंज भी दब गया गाइस। टोनी स्टार्क तू कहां पर है? टोनी स्टार्क तू तो प्लीज मुझे मिल जा प्लीज, हमें यहां पर सबको बचाना पड़ेगा। टोनी स्टार्क गाइस प्लीज लाइक बटन दबा दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। पता नहीं एक साथ से क्या हुआ। फ्रैंकलिन मेरी मदद कर, मुझे सांस नहीं आ रही है गाइस। टोनी स्टार्क भी शायद मुझे छोड़ के चला गया। एक मिनट यहां पर मौसम नॉर्मल हो गया शायद पहले से, और देखिए यहां पर सब के सब मर चुके हैं। ये क्या तबाही हो गई एक साथ से, सब कुछ ठीक था गाइस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ओह माय गॉड गाइस थॉर भी मर गया और डॉक्टर स्ट्रेंज भी। फ्रैंकलिन मैं ठीक हूं, फ्रैंकलिन मैं मरा नहीं हूं। एक मिनट टोनी स्टार्क तो ठीक है। अरे फ्रैंकलिन ये क्या हुआ? जरूर यहां पर सन गॉड के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, वरना ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। अरे बाप रे टोनी स्टार्क देख वहां पर, अबे फ्रैंकलिन ये तो सन एंड मून गॉड दोनों है। एक मिनट ऐसा लगता है जैसे इनको किसी ने उठाकर पूरी तरह से फेंका है। ओह माय गॉड गाइस ये क्या, सन एंड मून गॉड को एक साथ फेंक दिया। लगता है फ्रैंकलिन सन एंड मून गॉड मर चुके हैं, उसी वजह से सूरज और चांद के टुकड़े धरती पर गिर रहे हैं, इसी वजह से हम मर रहे हैं। हम माउंट चिलियाड के टॉप पार्ट पे थे इसलिए हमारे चोट लगी, इसका मतलब अभी धरती पर और भी पार्ट्स आएंगे। नहीं यहां पर इतने सारे गॉड्स क्या कर रहे हैं? फ्रैंकलिन सन एंड मून गॉड सच में मर गए भाई, देख इनको ये कुछ बोल नहीं रहे, यहां तक कि लोग इनके ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है। ओह नो गाइस ये दोनों भाई मर कैसे सकते हैं? अब गाइस हमारी धरती का क्या होगा, ये लोग कैसे मर गए गाइस? देखिए यहाँ पर मून गॉड एंड सन गॉड, इन दोनों को मैंने खुद अपनी आंखों से गिरते हुए देखा है धरती पर, शायद इन्हीं के टुकड़े हमारे ऊपर आके गिरे थे। ये तो रेड सन गॉड है, सन गॉड का बड़ा भाई लिटरली में, और गाइस इसके साइड में है गोल्डन गॉड, ये भी बहुत खतरनाक। अरे बाप रे स्टार गॉड, और गाइस ये रेड लाइटनिंग गॉड, आइस गॉड भी यहाँ पर। इन लोगों को किसने मारा कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पापा जी मर गए गाइस। देखिए यहाँ पर मून गॉड का बेटा कितना सैड है, और ये ऑल फादर गॉड का बेटा है लिटरली में, और सन गॉड का बेटा और मून गॉड का बेटा बहुत रो रहा है। गाइस मुझे यहाँ पर किसी भी तरह से इन लोगों को जिंदा करने का तरीका ढूंढना होगा। क्या कहा, तुम इनको जिंदा करना चाहते हो? बिल्कुल सर, जिससे हम सन मून गॉड से दरख्वास्त करें कि वो हमारे दोस्तों को अवेंजर्स को पूरी दुनिया को बचा ले, उनके मून एंड सन के टुकड़े हमारी धरती पर आ रहे हैं, उसके लिए तुम्हें इन दोनों के हेड में जाना होगा और इनका इलाज खुद करना होगा। क्या हम इनका इलाज कैसे कर सकते हैं? वो मुझे नहीं पता, बस की है तो कर लो। गाइस अब तो जाकर हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल फ्रैंकलिन हम जाएंगे और सन एंड मून गॉड को ठीक करेंगे और यहाँ पर अपनी धरती को फिर से बेटर बनाएंगे। अरे बाप रे तूने सही कहा टोनी स्टार्क, मैं किसी भी हालत में सन एंड मून गॉड को जिंदा करके रहूंगा। फ्रैंकलिन मैं सन गॉड के मुंह के अंदर जा रहा हूँ। अरे बाप रे गाइस ये तो मैं
बहुत ही गरम तरीके के इलाके में आ गया हूँ। गाइस मुझे लगता है सन गॉड को ठीक करने का इलाज या दवाई इस पर्चे में लिखी होगी। अगर मैं इस पर्चे को पढ़ लूँ तो शायद यहाँ पर इलाज मिल जाए। एक मिनट गाइस, साथ में पढ़ते हैं। टास्क टू सेव सन एंड मून गॉड। यहाँ पर टर्न अर्थ टेम्परेचर नॉर्मल एंड डिस्ट्रॉय ऑल मून पार्ट्स। क्या हमें अर्थ टेम्परेचर को नॉर्मल करना होगा और मून के जितने भी टुकड़े हमारी धरती पर आ रहे हैं उनको तोड़ना है या फिर डिस्ट्रॉय करना होगा। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन। गाइस मैं मून गॉड के मुंह के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर बड़ी ठंडक है। अरे यार, यहाँ कैसे इलाज करूंगा मैं मून गॉड का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ये कैसा पेपर है गाइस, इसको पढ़ता हूँ। स्टील एलिमेंटल लावा एंड अर्थ गॉड पावर्स टू सेव सन एंड मून गॉड। और गाइस यहाँ पर तीसरा टास्क है लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। गाइस प्लीज अब तो लाइक कर दो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी, और कॉमेंट में एक बार प्लीज गाइस फ्रैंकलिन ओपी जरूर लिखना। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, मुझे एक टास्क मिला है। मुझे भी टास्क मिला है। मुझे असल में पूरी की पूरी धरती के टेम्परेचर को नॉर्मल करना होगा और मून के जो टुकड़े हमारी धरती पर आ रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होगा, और मुझे यहाँ पर लावा एंड अर्थ गॉड की एलिमेंटल पावर्स चलानी होगी। चल टोनी स्टार्क, हम साथ में टास्क करेंगे, उसके बाद सन एंड मून गॉड को ठीक करेंगे और ये भी पता करेंगे कि सन एंड मून गॉड को किसने मारा है। ओए नाचो नाचो गाइस, ये है आइस गॉड का बेटा। लेकिन फ्रैंकलिन तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? क्योंकि आइस गॉड का बेटा यहाँ पर ठंड फैला सकता है। धरती पर कहीं ठंड है तो कहीं गर्मी, जहां पर ज्यादा गर्मी है वहां आइस गॉड की पावर का इस्तेमाल करके हम इसको नॉर्मल करवा सकते हैं टेम्परेचर को। मैंने सही कहा ना? वाह फ्रैंकलिन क्या आइडिया है। ए आइस गॉड मेरी बात सुन, ऊपर आसमान से मून गॉड के बहुत ही बड़े बड़े मून के टुकड़े गिर रहे हैं, वो तुझे तबाह कर देंगे, तेरी दुनिया को तबाह कर देंगे। प्लीज जल्दी से यहाँ पर पूरी धरती के मून के टुकड़े तोड़ दे और साथ साथ में धरती का टेम्परेचर नॉर्मल कर दे। अरे चलो निकलो यहाँ से। ओए मेरी दुनिया ऑलरेडी ठंडी है, मेरे को जरूरत नहीं है यहाँ पर मून के पार्ट डिस्ट्रॉय करने की या गर्मी फैलाने या करने की। अरे गर्मी का फैलवाने बोल रहे हैं हम तो हटवाने बोल रहे हैं हमारी धरती से। प्लीज मान जा हमारी बात। नहीं मानूंगा, चलो यहाँ से। नोब कहीं के। अरे टोनी स्टार्क ये क्या, तो बेवकूफ निकला। मेरे को बेवकूफ बोला फ्रैंकलिन? अभी रुक तेरे को बताता हूँ। अरे बाप रे फ्रैंकलिन ये क्या। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, हमारी तरफ तो मून के टुकड़े गिर रहे हैं, यहाँ पर क्यों ही मून का टुकड़ा क्यों नहीं गिर रहा है? मतलब यहाँ अगर गर्मी हो गई तो फिर ये आइस गॉड का बेटा हमारे वर्ल्ड को भी ठीक कर देगा। अरे नहीं, मेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे टोनी स्टार्क, तूने बोला और मून के टुकड़े यहाँ पर गिरने लगे। ओ माय गॉड फ्रैंकलिन थोड़ा संभल कर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अरे बाप रे नहीं, मेरी दुनिया तबाह मत करो, यहाँ गर्मी मत फैलाओ। अरे ये तो मेरे ऊपर गिर रहा है, प्लीज मुझे बचाओ पापा जी, बचाओ मुझे। तेरे पापा तो वहां पर बेचारे सन एंड मून गॉड के फ्यूनरल में, समझा? तो गाइस गाइस अगर हम यहाँ पर आइस गॉड के बेटे को बचा ले तो शायद यहाँ पर ये हमारी धरती के टेम्परेचर को नॉर्मल करने का प्लान लगा ले। ये बात तो तूने सही कही फ्रैंकलिन, लेकिन हम इसको बचाएंगे कैसे? मेरे पास एक प्लान है, मैं बुलडोजर से उसके ऊपर जितने भी मून के टुकड़े हैं उन सबको हटा दूंगा, उसके बाद वो जरूर यहाँ पर हमारी हेल्प करेगा। बिल्कुल फ्रैंकलिन, हम यहाँ पर करके रहेंगे। दोस्तों हमें पता लगाना ही होगा कि सन गॉड एंड मून गॉड को किसने मारा है जिससे कि हम सिंचन पिंचन और एवेंजर्स को जिंदा कर पाए। बिल्कुल जल्दी, कम ऑन फ्रैंकलिन, तू कर सकता है। मैं कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। गाइस मैंने फाइनली यहाँ पर मून के जितने भी टुकड़े थे जो आइस गॉड के ऊपर थे वो सब के सब हटा दिए हैं। अरे बाप रे, नहीं भाई तू ठीक है? अरे शुक्रिया, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी मदद की। बिल्कुल अब प्लीज हमारी मदद कर दे आइस गॉड के बेटे, प्लीज यहाँ पर हमारी धरती का जो टेम्परेचर है उसको ठीक कर दे। ठीक है मैं ऐसा करता हूँ। आपरा का डाबरा तीती मानू पाबड़ा। ओ माय गॉड गाइस, देखिए यहाँ पर आइस गॉड का बेटा कुछ तो कर रहा है अब शायद। अरे वाह, इसने धरती के टेम्परेचर को कितना बढ़िया कर दिया। क्या बात है फ्रैंकलिन, अब ना यहाँ पर ठंड रही ना ही यहाँ पर गर्मी, अब टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। लेकिन अभी धरती के कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर बुरी तरह से बारिश हो रही है और मून के टुकड़े गिर रहे हैं, इसलिए हमें मून के टुकड़ों को डिस्ट्रॉय करना होगा। मेरा टास्क ये भी था। ये बात तो तूने सही कही, देख कितना खतरनाक मेटियर्स है, यहाँ तो पूरी दुनिया दबा जाएगी। और नाचो नाचो हिलकर नाचो नाचो। लावा गॉड मेरी बात सुन, ये मेटियर्स तुझे दबा देंगे, मून के टुकड़े तुझे बर्बाद कर देंगे, इसलिए अगर तुझे इससे बचना है तो प्लीज मेटियर्स के टुकड़ों को तोड़ दे। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर प्लीज हमारी मदद कर। ये बात तो तुमने सही कही, मैंने सोचा ही नहीं, अगर मैं यहाँ पर दब गया तो नाचो नाचो कैसे करूंगा, और पापा जी भी मुझे नहीं बचाएंगे, इसलिए मुझे खुद करना होगा। देखा गाइस, हमने लावा गॉड के बेटे को भी मना लिया। प्लीज जल्दी मून के जितने भी पार्सन को डिस्ट्रॉय कर दे। ओए आबरा कडाबरा टीटी मानू पापड़ा, मैं यहाँ पर जितने भी खतरनाक ये जितने भी मेटियर्स हैं मैं इनको तबाह कर दूंगा, मैं सब ब्लास्ट करूंगा, क्या कुछ भी चूर चूर हो जाएगा। क्या बात है, बस इंसानों को छोड़ देना भाई। बिल्कुल सही कहा, ये 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 लो। क्या बात है गाइस, मौसम कितना नॉर्मल हो गया। ओए नाचो नाचो, क्या बात है, थैंक यू सो मच लावा गॉड। फ्रैंकलिन मैंने अपने टास्क कर लिए, लेकिन मेरे टास्क रह गए हैं। अब ये मैं लावा गॉड एंड अर्थ गॉड के एलिमेंटल पावर्स को चलाना होगा। गाइस हम जा रहे हैं यहाँ पर लावा गॉड एंड अर्थ गॉड के पास। एक मिनट, ये कार क्या कर रही है इधर? आइडिया, हम इस कार का इस्तेमाल करके जरूर लावा गॉड या फिर अर्थ गॉड के पास पहुंच सकते हैं, जिससे कि हम उसके एलिमेंटल पावर चुराकर मून गॉड को जिंदा कर सकें। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, पूरी स्पीड में चल, हमें किसी भी हालत में यहाँ पर सन एंड मून को जिंदा करके ये पता करना होगा कि उनको किसने मारा है,
जिससे कि हमारे फ्रैंकलिन और तेरी फैमिली, मेरी फैमिली सब बच जाए। सही कहा तूने गाइस, इधर देखिए लेफ्ट में लावा गॉड है, इतना ही नहीं फ्रैंकलिन, राइट में अर्थ गॉड है, ये देख, ओ माय गॉड गाइस, देखिए इस अर्थ गॉड को, ये तो जरूर यहाँ पर बहुत पावरफुल है। देख फ्रैंकलिन, ये रहा इसका एलिमेंटल पावर वाला अंडा, मुझे इसको चुराना पड़ेगा और तुझे यहाँ पर लावा गॉड के एलिमेंटल पावर वाले अंडे को चुराना होगा। ओके टोनी स्टार्क, लावा गॉड वाले एलिमेंटल पावर अंडे को ढूंढ तो सही। हाँ मैं देख रहा हूँ अपने ड्रोन से, फ्रैंकलिन ये रहा इसके मुंह के अंदर। अरे भाई यार लावा गॉड बहुत गर्म है, तूने मेरे को हार्ट टास्क दिया है। चल कोई नहीं, यहाँ पर दोस्ती के खातिर, अवेंजर्स को बचाने के खातिर और मेरी फैमिली को बचाने के खातिर ये करके रहूंगा और सन एंड मून गॉड को मुझे जिंदा करना होगा। बिल्कुल गाइस, हमारी धरती बिना सूरज और बिना मून के पूरी तरह से सूनी सूनी हो जाएगी, इसलिए पूरी तरह से इससे पहले कि सन एंड मून डिस्ट्रॉय हो, हम यहाँ पर अपनी धरती को और साथ सन एंड मून गॉड को बचा के रहेंगे। लेकिन एक मिनट यार, ये अर्थ गॉड के पेट के ऊपर इतने सारे पेड़ क्या कर रहे हैं? खैर मुझे क्या, मुझे तो बस इस अर्थ गॉड के उस स्पेशल पावर वाले एलिमेंटल अंडे को चुराना होगा। गाइस मैं एकदम साइड, अरे बाप रे ये क्या, ओ अभी समझा, इसका मतलब गाइस यहाँ पे चार रास्ते हैं, चार रास्तों में से मुझे कोई सही रास्ता चूज करना होगा, अगर मैंने गलत चूज किया तो मैं तो गया। अरे भाई काम करते हैं गाइस, हम लेफ्ट वाले चल लेते हैं, क्या बात है अभी तो कोई गड़बड़ नहीं हुई शायद, मैं अरे मर गया रे। सही रास्ता कौन सा है मुझे समझ नहीं आ रही है, शायद लावा गॉड के पास मुझे जाना चाहिए था, अर्थ गॉड तो बहुत खतरनाक निकला, वापस जाता हूँ। नहीं 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 जल गया रे, धरती कब से इतनी गर्म हो गई नहीं, अर्थ गॉड मुझे अपने एलिमेंटल पावर दे दे भाई प्लीज। अरे बाप रे, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एंड तक पहुंच करूंगा और अर्थ गॉड के एलिमेंटल पावर लूंगा। अरे स्टार्क मर रहा हूं मैं भी मर रहा हूं गाइस, ये लावा गॉड बहुत गर्म है, ओ नो मैं तो यहां पर जल जाऊंगा। ओ गाइस प्लीज जल्दी से मेरी मदद करो, कमेंट में जल्दी से यहां पर आप आइस गॉड लिखो प्लीज गाइस, आइस गॉड सन लिख दीजिए जिससे कि आइस गॉड सन मेरे पास आए और यहां पर मुझे डायरेक्ट लावा गॉड के मुंह में फेंक दे। हां भाई फ्रैंकलिन क्या बात हुई, प्लीज मुझे जल्दी से हमारे लावा गॉड के मुंह के अंदर फेंक दे। ठीक है भाई फ्रैंकलिन जैसा तू कहे। वाह गाइस देखा, आइस गॉड सन ने मेरी मदद कर दी। अरे बाप रे फाइनली मैं लावा गॉड के मुंह के पास आया, चका था लेकिन ऊपर नीचे गिर गया मैं वापस से। कोई बात नहीं दोस्तों, वापस से ऊपर जाता हूँ। दोस्तों मुझे तो समझ नहीं आ रही है सन एंड मून गॉड को किसने मारा है जिसकी वजह से सब हो चुका है। कोई बात नहीं दोस्तों, फाइनली पता चल ही जाएगा। एक मिनट, में लावा गॉड के मुंह के अंदर आ गया और ये रहा एलिमेंटल पावर वाला अंडा, वाह मैंने इसको ले लिया। अरे मैं छोटा कैसे हो गया गाइस, देखिए लावा गॉड कितना सा हो गया, क्या बात है। चलो अब जल्दी चलते हैं। टोनी स्टार्क क्या तूने अर्थ गॉड का एलिमेंटल पावर वाला अंडा लिया है? नहीं फ्रैंकलिन, बस मैं चला गया अर्थ गॉड के मुंह के अंदर, मेरे मुंह से बाहर निकल वरना बर्बाद कर दूंगा तुझे टोनी स्टार्क। अरे नहीं अर्थ गॉड, आज मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मुझे अपनी फैमिली को बचाना है और सन एंड मून गॉड को भी बचाना है, इसलिए मैं तेरा एलिमेंटल अंडा लेकर जा रहा हूं। अरे बाप रे फाइनली गाइस मैंने यहां पर अर्थ गॉड का एलिमेंटल पावर वाला अंडा ले लिया है। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन कहां पर है तू? मैंने यहां पर एलिमेंटल पावर वाला अंडा ले लिया है। मैंने भी ले लिया है। तो ठीक है गाइस अब जल्दी से चलते हैं और जाकर एक अंडे को मैं सन गॉड के मुंह के अंदर रखूंगा और एक अंडे को मैं मून गॉड के मुंह के अंदर रख देता हूं। गाइस जल्दी जल्दी जाता हूं मैं, ये गया मैं और ये भी गया मैं। अरे बाप रे गाइस मैंने यहां पर इस खतरनाक एलिमेंटल अंडे को पाने के लिए कितने दर्द झेले आप सभी जानते हो और सिर्फ मैं जानता हूं। मैंने गाइस फाइनली यहां पर एलिमेंटल एग रख दिया है, उम्मीद करता हूं मेरी फैमिली जरूर जिंदा होगी। गाइस देखिए यहां पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, शायद कुछ तो हो रहा है। अरे वाह हम जिंदा हो गए, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और बाप रे गाइस इसका मतलब वाटर गॉड के बेटे ने और मून गॉड के बेटे ने यहां पर सन एंड मून गॉड को मारा था और यहां पर गाइस हमारी फैमिली भी जिंदा हो गई, हल्क जिंदा हो गया, पुतिन की उसमें मैं भी जिंदा हो गया। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज जल्दी से स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं उसमें से कुछ भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।